गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना आज का टॉपिक हैगा अल्फाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज करना। जिवें कि आप सारा ए बी सी आती है, तो बेटा आप सब तो पहला वर्ड्स को ए बी सी के तरीके से आप देखना है। ए बी सी के बीच अल्फाबेट्स जो अपने छब्बी है, सब तो पहला कि अल्फाबेट आ गया। हम देखो जिमें आप फर्स्ट वर्ड्स डैंस जूम टेस्ट एप्पल डंप दिता हो, फर्स्ट लैटर्स देखोगे, पहला फर्स्ट अल्फाबेट्स देखोगे, देखो डी जेड टी ए डी। हुण तुसीं देखो कि ए बी सी जदों आपां पढ़दे आं तां सब तो पहला किहड़ा लैटर आउंदा है, सब तो पहला ए लैटर आउंदा है, तां अपना एप्पल एप्पल आ जाएगा फर्स्ट नंबर ते। ए तो बाद ए तां हो गया बेटा, उस तो बाद रह गया अपने कोल डी जेड टी डी, डी सेम हो गए। और इन्हां दे विचों सब तो पहला केड़ा आउंदा है, डी आउंदा है कि जेड आउंदा है कि टी आउंदा है, डी आउंदा ना, तो डी आ गया, या तो डैंस आएगा या डंप आएगा। हुण देखो ये दोनों दे डी सेम हो गया, जेकर फर्स्ट लैटर सेम हो गए तो आप सैकेंड लैटर देख लेना केड़ा है। हुण इहदा सैकेंड लैटर है ए, इहदा सैकेंड लैटर है यू। हुण देखो ए पहला आउंदा है कि यू पहला आउंदा है, ए बी सी दे विच ए पहला आउंदा ना, तो सब उस तो अपने आएगा वर्ड डैंस। हुण थर्ड वर्ड अपना डंप आएगा, क्योंकि डी आ गया ना, फर्स्ट लैटर डी है, तो पहला ए आया फिर डी आया, डी का डैंस वाला पहला आएगा, डंप बाद विच आएगा। बाकी रह गए बेटा हुण जूम टेस्ट जेड टी, तो पहला टी आउंदा एबीसी दे विच टेस्ट, लास्ट आएगा जूम। ऐदा तुसी सारे बच्चों ने वर्ड्स नू अल्फाबेटिकली अरेंज करना सीखना। बच्चो अपनी इंग्लिश दी बुक दे विच पेज नंबर 24 दे उपर अपन नू ए दिता हुआ है, रीअरेंज ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप अल्फाबेटिकली इन्हां वर्ड्स नू रीअरेंज करांगे। फर्स्ट देखो कूल चेयर साइकिल सिटी क्लीयर। जिवें कि मैं तुहानू पहला समझाया सी कि फर्स्ट लैटर आपां देखना है इहदा शब्द, तां इहदे विच फर्स्ट लैटर दा शब्द सेम है सी है, तां हुण आपां नैक्सट लैटर देखांगे कि किहड़ा किहड़ा शब्द। इहदा है ओ, इहदा है एच, इहदा है वाई, इहदा है आई, इहदा है एल। हुण इहनां दे विचों देखो ओ एच वाई आई एल, इहनां दे विचों सब तों पहला किहड़ा लैटर आउंदा है, इहनां दे विचों आएगा एच, तां आपां लिखांगे चेयर। एच तो बाद केड़ा आएगा आई सिटी। हुण एच भी हो गया बेटा, आई भी हो गया, ये दोनों वर्ड्स तो हो गए। नैक्सट हुण रह गए ओ वाई एन एल, आपां इन्हां दे विचों केड़ा आएगा पहला एल, एल तो बाद आएगा ओ कूल, एंड लास्ट दे विच आएगा साइकिल। ठीक है जी, ये अपना फर्स्ट हो गए अपने वर्ड्स अल्फाबेटिकली रीअरेंज। हुण अपन नेक्स्ट पे चल रहे हैं, हैप्पी हेल्थ होम्स हाइट हंगर। इन्हां दा भी बेटा फर्स्ट लैटर है अल्फाबेट जो सेम है, सो आप सैकेंड देखांगे ए ई ओ आई यू। इन्हां दे विचों ए आंदा पहला तां हैप्पी, नेक्स्ट आएगा अपना ई हेल्थ, उस तो बाद रह गए ओ आई एंड यू, इन्हां दे विचों पहला आएगा आई, उस तो बाद आएगा होम्स ओ, नेक्स्ट लास्ट ईयर हंगर। सेकंड ग्रुप भी बेटा अपना अल्फाबेटिकली रीअरेंज हो गया। नेक्स्ट इज वॉट want were write with। देखो फर्स्ट लैटर सेम है, तो आप नेक्स्ट चुकेंगे एच ए ई आर आई। हुण जो आप ए बी सी पढ़ते हैं तो इन्होंने विचों केड़ा लैटर पहला आता है ए, दसो want, want आ जाएगा फर्स्ट नंबर ते, उस तो बाद आएगा ई वर, उस तो बाद आएगा एच वॉट, एच तो बाद आई एच आई,
विद, लास्ट पे आएगा राइट। इस तरह बेटा मेरा थर्ड ग्रुप भी अल्फाबेटिकली रीअरेंज हो गया। सो फोर्थ ग्रुप दे विच बेडिंग ब्रश ब्यूटीफुल बोथ ब्लेड यू आर ई ओ एंड ए। इस विच पहला ए एल ओ ई आर यू, इन्हां दे विचों पहला आएगा ई। ए बी सी पढ़ांगे अपन जदों ए बी सी डी ई ब्यूटीफुल। उसके बाद आएगा एल, क्योंकि ई एफ जी एच आई जे के एल एल ब्लेड। फिर आएगा ओ एल एम एन ओ बोथ। फिर आएगा आर ब्रश, देन लास्ट इज बिल। सो अपना लास्ट ग्रुप है longer, lift, large, least, lungs. First same है अल्फाबेट शब्द, so O second लिखेंगे I A E U। A B C पढ़ाने से पहला भी आएगा A, तब आएगा अपना first word large, उसके बाद आएगा अपना E least, next आएगा अपना I live, उसके बाद आएगा अपना ओ लॉन्गर, लास्ट विच आएगा लंग्स। सो ए सन बेटा कुछ ग्रुप्स जिन्होंने आप अल्फाबेटिकली रीअरेंज करना सी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम तुम एग्जाम के विच जो भी तुहाडा टेस्ट लिया जाता है, कोई भी तुहानू पुछदा है अल्फाबेटिकली ऑर्डर के विच लिखने लिए तुहानू कोई कहिंदा है, तो तुम गलत नहीं करोगे। ए बी सी पढ़ के देखनी, ए बी सी सब आप सबनों आती है। पहला फर्स्ट लैटर देखना है, फर्स्ट लैटर शब्द ए बी सी पढ़ के देखनी है कि पहला आएगा वो वर्ड आप पहला लिखा, उस तो बाद अगला वर्ड कि आएगा। जे फर्स्ट लैटर शब्द सेम है तो आप सैकेंड लैटर देखा। चलो जी सैकेंड लैटर भी सेम हो गया मान लो किसी कुछ वर्ड्स का, तो उन्होंने आप थर्ड लैटर देखेंगे। इस तरह आप वर्ड्स को अल्फाबैटिकली रीअरेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।